सावन मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति तमाम प्रकार के जतन करता है। इनके अंदर रंगों का भी विशेष महत्व बताया गया है। सावन में किस रंग के कपड़े धारण करना चाहिए, आइए जानते हैं उज्जैन के ज्योतिष आचार्य से। भगवान शिव को रिझाने के लिए श्रावण मास में भक्तगण कई प्रकार से भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं। उनमें खान पान से लेके तो पहनने ओढ़ने तक में भगवान शिव की प्रसन्नता का ध्यान रखा जाता है। इसमें क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले ये देखें। काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। काले रंग के कपड़े धारण करने से भगवान शिव की पूजा का फल नहीं मिलता है। खाकी रंग का जो कपड़ा होता है उसे पहनने से भी बचना चाहिए। इस रंग के कपड़े को धारण करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। भूरे रंग का कपड़ा भी धारण नहीं करना चाहिए। इस रंग के कपड़े को देखते ही भगवान शिव नाराज होते हैं। भगवान शिव को यह तीनों कलर जो रंग है वह प्रिय नहीं है, इसलिए इन रंगों को पहनने से श्रावण में बचना चाहिए। क्या धारण करना चाहिए, तो श्रावण में भगवान शिव को सबसे प्रिय होता है हरा कलर। हरे रंग का वस्त्र भगवान शिव को अति प्रिय होता है। इसके साथ ही सफेद और नारंगी यानी भगवा कलर का वस्त्र, पीला कलर का वस्त्र, ये सब रंगों से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव इन रंगों को धारण करने वाले जातकों की, इन रंगों को धारण करने वाले भगवान के भक्तों की मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं। अपने मन में भगवान शिव का ध्यान करें और इन शुभ रंगों के वस्त्रों को धारण करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां और प्रभु की कृपा प्राप्त हो। जय श्री महाकाल।